जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय महुआर में यहाँ पर है। बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ मारपीट हो रहा है, जो छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते हैं और काफी परेशान कर रहा है बच्चों को। इधर आ जाइए, आप लोगों को क्या क्या परेशानी है थोड़ा सा बताइए, क्या दिक्कत करता है मास्टर यहाँ पे मारता? जब हम मेटा क्लासेस में पढ़ रहे हैं वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है ना, हाँ तो यहाँ पे सरस्वती पूजा हो रहा है, जब वहाँ पे सरस्वती पूजा हो रहा है तो हम लोग डांस कॉम्पिटिशन ले तो वही बोलता है। अध्यक्ष महोदय रुकिएगा, रुकिएगा, हेलो अध्यक्ष महोदय रुकिएगा। देखिए बच्चों क्या क्या मामला है जो बच्चों के साथ मारपीट हो रहा है, सब बच्चे लोग यहाँ? बच्चों के साथ मारपीट नहीं हो रहा है, बच्चों जैसे जो अब्सेंट करता है वो नेक्स्ट डे जब आता है तो उसको थोड़ा धमकाना तो पड़ेगा ही कि काहे ऐसे करते हो। अभी क्या हुआ कि कल जैसे आया बच्चा, बैग रख दिया, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था रिहर्सल सरस्वती पूजा का, तो लगभग स्कूल टाइम के बाद चल रहा था 9:30-10 बजे के आसपास, वो तो 11 बजे तक बोल रहे सर, तो बैग यहाँ पे रख के सब वहाँ प्रोग्राम देखने चला गया। तो इसके दारू पीता है मास्टर? मास्टर दारू स्कूल के टाइम में? स्कूल के टाइम में ना पड़ता है, स्कूल में घर तरफ से पी के आता है, पी के आता है, स्कूल में नहीं पीता लेकिन कह रहा घर तरफ से पी के आता है। कोई मास्टर दारू नहीं पीता है, ये सारा सब गलत है। क्या क्या आप अध्यक्ष स्कूल के? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा जागेश्वर चौधरी। तो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं पुत्र सब गलत है क्या? गलत ये, हम कभी, हम तो लगभग डेली आते हैं स्कूल, डेली नहीं आता है। देख रहे हैं अध्यक्ष है जागेश्वर चौधरी, इनको बच्चे नहीं मान रहे हैं और बच्चे से उन लोगों से बात करेंगे हम लोग। बोलो बोलो अध्यक्ष यहाँ पे कितना साल में बदलते हैं? अध्यक्ष 2 साल 3 साल हो गया सर, अभी तक 3 साल अरे यहाँ पर इसका कोई बच्चा नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, छोटा अभी अभी छोटा है, इसीलिए टीचर का बच्चा भी नहीं पढ़ता, टीचर का बच्चा भी नहीं पढ़ता, टीचर का बच्चा पढ़ता है, किसको किसको जब मेटा क्लासेस में हो रहा है ना पढ़ाई अच्छा, तो वहाँ पे सरस्वती पूजा हो रहा है तो हम डांस कॉम्पिटिशन लिए, तो ये कल नहीं आए ना तो इसीलिए मारे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुमार। और किसको मारा है? प्रिंस कुमार। सब मेटा क्लास में अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होता है, और यहाँ का सवाल पूछते ना तो बोलते हैं ज्यादा पढ़ गया, बोलते हैं ज्यादा पढ़ गया, तुम जा रहे हो। मेटा क्लास का डांस कब इंसान हो रहा था तो सरस्वती पूजा का हो रहा था तो मारते हैं। तुम लोग कैसे करने से ठीक रहेगा ये? टीचर बुलाइए, टीचर बुलाइए, और जब हम लोग कुछ लाते हैं खाने के लिए ना तो खाओ। यहाँ पर सरस्वती पूजा नहीं होता है, जब सर लोग बोलते हैं कि सर आप लोग भी चंदा दीजिए तो कहते हैं हम लोग शरीर से सहयोग करेंगे, शरीर से सहयोग करेंगे। यहाँ पे मतलब कैसे मास्टर को यहाँ से हटाने का? शिव शंकर सर और दिलीप सर, दोनों और हेड सर और दिलीप सर, हेड सर और दिलीप सर और मनोहर सर। इन लोगों को मारा किसने? दिलीप सर और सर, मतलब शिव शंकर सर, शिव रंजन सर, शिव शंकर सर, एक लड़का बोलो ना, शिव शंकर, शिव शंकर सर और दिलीप सर, दोनों मारपीट करता है, हैं? तो दोनों को भगाना चाह रहा है और प्रिंसिपल सर और हेड को भी, हेड को भी, हेड को भी। शिव शंकर और दिलीप सर है, शिव शंकर और दिलीप सर है जिससे बच्चे परेशान है। और क्या है आखिर मामला, हम लोग सर से भी बात करेंगे और सर से भी जानेंगे। आप लोग कहाँ इनके बच्चे हैं? बच्चे आप लोग के पढ़ते हैं क्या यहाँ? तो क्या मारपीट करता है क्या मास्टर जी? मारपीट करता है कुछ नहीं कर पाता, भेदभाव करता है। कौन कौन बोलता है? शिव शंकर सर, दिलीप सर, सीसी काट के दे देंगे ज्यादा बोले, सीसी काट के ले। आपका घर वाला है ना, बात करने दो ना, पुलिस से कर ले। और तुम लोग को कुछ बोलना है? जब खाने खिलाते हैं तो थोड़ा सा खाना देते हैं तो मांगते कि थोड़ा और से, तो गाली देते हैं खाना बना ले, खाना बनाने में गाली देते हैं। और मेन्यू पे जो जो लिखा हुआ वो नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। देख रहे बच्चे काफी परेशान है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मास्टर की लापरवाही नजर आ रही है, सामने देखने को मिल रहा है। उन मास्टर से भी हम लोग बात करेंगे, चलो हम लोग मास्टर से बात करेंगे और क्या हकीकत से बात करेंगे। अरे सामने मास्टर के पास चलो, बात करते हैं, चलो देखते कहाँ मास्टर। और जब यहाँ बंधक हुआ हमारा, मेरा बेटा तो कहता कि 3:10 में हम आपको लगड़ देंगे। कौन बोलता है? शिव शंकर बोलता है, हम लोग का भैया भी बोलते 3:00
मेटा क्लासेस का हेड है। इधर चलिए हम लोग मास्टर के पास चलेंगे और बात करेंगे। तुम लोग पढ़ती है क्या? स्कूल में पढ़ती है? निकल गई। तो पहले मारता था क्या मुझे? पहले के छात्राएं हैं, इन लोगों का भी शिकायत है कि पहले भी मास्टर मारते थे, जो निकल गए यहाँ से। देखिए गोलबंद है, हम लोग चलेंगे मास्टर के पास। चलो मास्टर के पास चलते हैं। आइए मास्टर के पास चलते हैं। आइए ना, आइए ना, आइए आइए ना, आप घुसते इधर आइएगा भैया। ये जो बच्चे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मास्टर मारता है, मास्टर दारू पी करके आता है, जाति बोलता है कि तुम छोटा जाति का है, ये क्या मामला है? आप लोग यहाँ लोकल आदमी बताइए। नहीं नहीं, देखिए वो देखिए मारपीट बच्चा उलू अलग बात, कोई कहता कि नहीं यहाँ जाति विवाद वहाँ नहीं है। हाँ। यहाँ ये सब राजनीति करता है। हाँ। जैसे देखिए कोई बच्चा जैसे अभी यहाँ ट्यूशन पढ़ता है। हाँ। तो इसी का गाँव का है। हाँ। तो वो बोलता है कि नहीं ज्यादा हमसे तेज हो गया। उसी के चलते मैं यहाँ बच्चा मारपीट करता है इनकी। हम तो उतना जानकारी हमको है ना, अभी यहाँ जैसे बोल रहा है सो हम बता रहे हैं। इतना बच्चा था, अभी इतना बच्चा तो झूठ नहीं बोल सकता। तो झूठ गार्जियन से बोलवाइए, गार्जियन से, जो जो गार्जियन उसको पूछिए। गार्जियन भी कह रहा है मारता है, जो बच्चा निकल करके यहाँ से पढ़ करके निकल गया वो लोग भी कह रहे हैं। तो मारता है वही जब जब सब गार्जियन मारता है भैया। जी कहना है, जैसे हमारे कहने का मतलब है बच्चा को अगर यहाँ मारपीट करता है, अगर कि मान लिया आप पढ़ाई नहीं करते हैं, चाहे पढ़ाई नहीं करवाते हैं बच्चे को, तब इधर उधर भागता है। आप बच्चे को सही से नहीं देख रेख कर रहे हैं स्कूल के टाइम में, तभी बच्चा इधर उधर जा रहा है। और अगर टीचर की कमी है तो आप ऊपर में आप आवेदन कीजिए, चाहे लिखित आप दीजिए कि हमारे पास टीचर की कमी है। मास्टर से बात करते हैं तभी खुलासा होगा। उधर पानी पानी चलो कहा है मास्टर, चलो मास्टर के पास। हाँ बोलो बोलो क्या क्या क्या। सुनिए सर, यहाँ पे कंप्यूटर ये सब कुछ भी सुविधा नहीं देता यहाँ पे चलाने के लिए। अरे चलो मास्टर, और यहाँ पे सुनिए सर, और सुनिए सर, सर देखिए यहाँ पे शनिवार को हर सप्ताह टेस्ट होता है। क्लास में एक सर भी नहीं उपस्थित रहते, एक टाइम भी नहीं रहते, एक घंटा भी नहीं रहते। और यहाँ पे शिव शंकर और दिलीप सर कहाँ है? चलो शिव शंकर। हाँ क्या होता जानते हैं? हाँ। दिन रात में तो जाता है कार लेके। हाँ। उसका घर में कार है, जाता है बराती उराती में। हाँ। उसके बाद दिन में आता है, पूरा पोता है, कार लेके जाता है। हाँ उसका घर में है स्कॉर्पियो, साटा में बराती में जाता है। शिव शंकर सर कहाँ और दिलीप सर कहाँ? चलो दिलीप सर। हाँ दिलीप सर है। अरे चलिए बात करते, चलिए चलिए खाना वहाँ बनता है। दिलीप सर, दिलीप सर को बुलाइए, दिलीप सर को बुलाते हैं। जब अब आया ना तब पढ़ाने लगा सर, एक क्लास बंद कर सर, किसी से बात पूछ। अरे सर से हम लोग सवाल पूछते हैं ना, हम पूछते हैं ना सर से, पूछते सर से। यही बुलाते, बाहर बुलाते सर को, बाहर में आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप लोग इधर आइए, इधर आइए, हम बुलाते हैं। सेवन क्लास के बोलते हैं कि सर बदमाश, मतलब बदमाशी करती है, ऐसी है वैसी है, बोलते सर धमकी देते हैं हम लोग को और मारपीट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा कुमार। दिलीप सर आप ही हुए? सर जो बच्चों का शिकायत आ रहा है काफी, और काफी लोग कह रहे हैं कि मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, कहाँ तक मामला सर फिर? अगर ऐसा है तो क्यों है फिर? नहीं सर, जब एक चीज सबसे पहले जान लीजिए कि मामला ये उठा शुरुआत क्यों हुआ। जैसे शुरू से यहाँ एक पिंटू सर है, कोचिंग चलाते हैं, है ना, बगल में। वो स्कूल आवर में जो है 9 से 3 जो है वो क्लास चलाते हैं, अक्सर बच्चा जो है लेट आता है, है ना। कल मेन क्या हुआ कि लगभग 10-11 बजे तक बच्चा जो है सरस्वती पूजा में इन लोग डांस प्रोग्राम रखे हुए ट्यूशन में, सरस्वती पूजा में डांस प्रोग्राम है। तो हम लोग अच्छी किए कि तुम लोग अगर रखा है डांस का प्रोग्राम तो सर को बोलो 9 बजे से पहले या फिर 3 बजे के बाद जो है स्कूल आवर के बाद जो है अति करने के लिए। तो 11 बजे तक ये सामने मंदिर के सामने यहाँ देखे होंगे चबूतरा है, यहाँ पे जो है डांस का प्रोग्राम जो है प्रैक्टिस करवा रहा है। तो हम लोग जाकर उसका विरोध किए, कल गए डांट टूट के बच्चा को जो बुलवाए हैं, बच्चा जो है स्कूल आया और बैग रख कर जो है सब वहाँ, जहाँ से बात है बच्चा है वो तो जाएगा ही, तो बैग रख के जो है वो सब बच्चा सब वहाँ भाग गए। मारपीट करने के लिए सुन लीजिए, पूरा पूरे मैटर पर सुन लीजिए।
तो जो है जो है वहाँ गए और बच्चा को जो है डांट टूट कर जो है बच्चा को लाया गया और बच्चा को ये भी हिदायत दिया कि आप लोग जो है कोचिंग और ट्यूशन का टाइम जो है 9 से पहले रखिए और 3 बजे के बाद स्कूल आवर में रहेगा तब तो हम घर में गार्जियन से कंप्लेन कर घर में गार्जियन से कंप्लेन करेंगे या फिर इनाम काट के हटा देंगे। आखिर बच्चा को उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार जो योजना चला रही है वो तो जो है तो वो हो ही रहा है, साथ में सरकार जो भी योजना चला रही है सिर्फ उससे ही नहीं हो पाता है। क्या होता है ग्रामीण बच्चा है, इन लोग अगर आप जैसे अभी वहाँ डांस का प्रोग्राम चल रहा था उसको कोई मतलब नहीं, बच्चा वो भाग ही जाएगा है ना। तो कल मेन मुद्दा वही था, उसको लेकर बच्चा को जो है डांट डपट किया गया है कि आप लोग आज के बाद जो है ट्यूशन सर को बोलिए जो है उस टाइम को ऐसी करने के लिए। और दूसरा में जो है डांटा गया था, अब देखिए अब जाहिर सी बात है बच्चों को पढ़ाने के लिए सिचुएशन में हमने हम 125 का टीचर है ना, हम एक चीज और सर, हम 125 का टीचर है। देखिए वहाँ सब बच्चा जो पूरा दिलीप सर आप ही हुए? हाँ जी सर हम ही हुए। दिलीप सर क्या रहे, दिलीप सर तुम लोगों को मसाज मारपीट करता है जब हम लोग 8 बजे घर आ जाते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा कि कल क्यों डांट डपट हुआ है। मैं खाना खिलाता था कल का उपस्थिति देखिए, मतलब टोटल बच्चा जो है हम अपना क्लास का सीखा है ना, 3 क्लास में टोटल 14 बच्चे हैं, 4 में 21 बच्चे हैं और 5 में 8 बच्चे हैं। कल का उपस्थिति उस अथी के कारण स्कूल आवर में 7 बच्चा था 3 क्लास में, 11 बच्चा था 4 क्लास में और 5 क्लास में 5 बच्चा। लेकिन कल डांट डपट जो भी किए कि आप लोग गार्जियन को कंप्लेन करेंगे, नाम कटा दे काट देंगे करेंगे, मतलब नाम काटने का प्रोसेस तो रोज वाला दिखा रहे तो रोज मोर दो सर। पहला बात कि वहां 5 बच्चा नहीं था, जिस प्रकार बच्चों में यहाँ आक्रोश देखा जा रहा है शिक्षक के प्रति काफी आक्रोश है, एक बच्चा झूठ बोल सकता है, इतने इतने बच्चे आपके खिलाफ अगर हो जाएंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ अगर आप बढ़िया पढ़ाई करिएगा तो क्लास ओपन करता जो डीएवी पढ़ते हैं, जो एलएमपी में पढ़ते हैं उसके बच्चे भी ट्यूशन में पढ़ते हैं ना, तो इसलिए वो छोड़िए वो पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि बच्चों पर जो देश पर देश का भविष्य है, आप छोड़िए भविष्य के लिए मत सोचिए। आप जो प्रेजेंट टाइम में इन लोगों के साथ जो मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, वो काहे करते हैं? नहीं नहीं गलत है, बच्चों को डांट डपट जरूर किया गया है। डांट डपट इसलिए किया गया है कि अब टाइमिंग जो है आपने चेंज कर दीजिए है ना। मारने की जरूरत नहीं है, आप उन लोगों आप कह रहे 1-5 क्लास के शिक्षक है। एक मैं सर ये चीज प्रार्थना लाइन में हुआ, बहुत से बच्चे जो है मतलब प्रार्थना लाइन में आज को पति शंकर सर कहा देख रहे, बच्चों में आक्रोश है, शिक्षक का कहना है कि हम डांटे थे ट्यूशन सेंटर के लिए, अब क्या है, अब शंकर सर से भी क्लियर हो जाता है मामला। ये देखने वाली बात है, कल का टोटल उपस्थिति परसों का है ना डांट डपट हुआ, तो देखिए मतलब जो भी है डांटे आप बच्चे से जब स्नेह से पेश आइएगा तो बच्चे आपके पास यहाँ वो बात नहीं है सर, मतलब बच्चे आना चाहते हैं लेकिन मेन है ये ट्यूशन का टाइमिंग जो वो है ना सर, ट्यूशन का टाइमिंग जो इस तरह रखा हुआ है बच्चे आप कोचिंग वाले को क्यों कह रहे हैं कि आप टाइम बदलिए, आप यहाँ बच्चों को कहिए। हम कोचिंग सर का कुछ नहीं कहे, पिंटू सर का कुछ आइए हाँ बच्चों को हम वही तो सर हम बच्चों को नहीं जाए, अब पिंटू सर का कहना है कि नहीं आप हमको क्यों नहीं बोले एक मुद्दा हम उठाना चाहते हैं, एक मुद्दा हम उठाना चाहते हैं किंतु इस कोचिंग से थोड़ा सा ये है कि जैसे एक बगल में है मुख्य सर पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ से हम लोग को अच्छे नहीं हुआ, ये क्या हुआ शंकर सर को बुला के लाइए एक शासी स्टेटमेंट दे दीजिएगा बढ़िया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से महुआर स्कूल में बच्चे जो है 7 क्लास में जो पढ़ते थे 7 क्लास ये मुद्दा सर इसी वाला समझ लीजिए समझ लेंगे क्या, जो बच्चे आपके यहाँ से स्कूल से जो गए हैं पढ़ करके जो गए वो बच्चे भी कहते हैं शिवशंकर और दिलीप सर मारते हैं, विश्वास करिए आपको मारपीट करना तो कहीं से भी जाएगी नहीं है ना, पढ़े या नहीं पढ़े।
यहाँ के सेवन क्लास को जो बच्चा है जो यहाँ पढ़ते थे, अरे शिवशंकर मेन क्या था कि यहाँ से मेन इतना बच्चा भी थोड़ा सा गुस्सा होने का कारण ये है, यहाँ से 7-8 बच्चा जो है मेरे पास उसके पास रिपोर्ट था, सेवन क्लास में पढ़ते थे वो बच्चा जो है अपना आधार कार्ड में पिंटू सर जो है नाम एज कम कर रहा है, समझ लिया मैटर को, एज कम एक एज जो है कम करा के अधूरी टाइम में 5 क्लास में करवा लिए, बोले कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराएंगे, हम कंप्लेन वहाँ पर किए कि दूरी टाइम में इतना सब बच्चा जो है दूरी टाइम में एज कैसे कम करा लिया, तो बहुत से बच्चे जो है आके यहाँ टीसी मांगा के हमको 5 प्लस का टीसी दीजिए, पूछ लीजिए जो मेरे पास रिपोर्ट गया, अब वो कह रहे हैं कि हमको 5 प्लस का टीसी दिए, उस चीज को लेकर पिंटू सर से लड़ाई हुआ, वो ठीक है आपकी लड़ाई हो सकती है, शंकर सर को बुलाइए रिक्शा से आप लोग, आगे आओ आगे आओ, धूप हाँ इधर चलो, वहाँ पे सरस्वती पूजा का ट्यूशन इसीलिए वहाँ पे गए थे, इसीलिए वहाँ पे तैयारी करने गए थे, सर को बोले सर सामान मिला दीजिए, इसके बाद नहीं किया, बोला नहीं हम सर नहीं मिलाएंगे, तो इसीलिए छोड़ दिया, हम लोग ट्यूशन कल नहीं आए, सर यहाँ पे क्लास होता है, यहाँ पे 9 बजे शुरू है, 9:30 बजे पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पे 11 बजे क्लास होगा, 11 बजे खाना खाना पीना ठीक मिलता है, शंकर सर की बात यहाँ पे होता है कंप्यूटर और 10 कॉपी आता है तो 6 कॉपी देता, कहते हैं अभी पढ़ो, पीछे वो कॉपी खत्म होगा फिर समझ गया, बहुत समस्या है परेशान कर दिया, हम समझ गए, सर शिवशंकर सर बोल रहे थे कि अगर कुछ ना जाते थे ना, तो बोलते क्लास में बोलते कि परीक्षा लेते पूर्ण जाते हैं, अच्छा ठीक है, ये जो बच्चे लोग पूरा एकदम हंगामा खड़ा कर दिया है, मारपीट का आरोप लगा रहा है, जातिवाद का आरोप लगा रहा है, क्या मामला है बच्चा, आइए सब लोग विश्वविद्यालय मंगवार में है और यहाँ गंभीर आरोप लग गया है, मारपीट का, दुर्व्यवहार का, जातिवाद का संबंधित कई बातें आ रही है बच्चों से निकल करके, इतने इतने बच्चे परेशान हैं, हल्ला नहीं कर शांति से, शिक्षा विभाग आखिर के पदाधिकारी उनके कहाँ मौन, क्या आखिर हकीकत क्या है, शांति आ रहा है सभी बच्चे लोग, क्या रहे शिवशंकर सर हुए ये के साथ मारपीट करते हैं, सर अपना पीरियड नहीं पढ़ाना है, सर सामने का सर तुम लोग पीछे किसी को क्लास दे रहे थे, वो क्लास ले रहे थे, प्रार्थना समय में डाटा किया बच्चे को, अरे शंकर सर मारे हैं किसको, किसको मारे शंकर सर, शंकर सर किसको किसको मारे, शंकर सर किसने मारा, किसको मारा बताओ, शंकर सर मारे हैं, देखिए अब इतना भी नहीं हो सकता ना, हम लोग बोल दिए
अरे नहीं डराएगा यार, हम है ना, कोई नहीं डराएगा। अरे कोई नहीं डराएगा, हम है, तुम लोग बेफिक्र होकर के पढ़ो, ठीक है। और मास्टर पढ़ाएंगे, कैसे समाधान होगा सर? अरे तुम लोग शांत रहो, तुम लोग शांत, कैसे समाधान होगा? आप मारे ना बच्चों के सामने कह रहा ना, गाड़ी का है सर, बराती का है सर। नहीं नहीं, गलत तरीका, अभी हो गया ना, सब हो गया। खाना नहीं मिला बेटा, देख रहे हैं बच्चे काफी आक्रोश हैं और परेशान हैं। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, सब्जी वगैरह। अरे तुम लोग कल घुस रहे हैं, बात हो गया ना तुम लोगों का बात, तो हम लोग देखेंगे, सुनी लोग बन रहा, अंडा बन रहा, फिलहाल अंडा बन रहा, अंडा दिख रहा, अंडा बन रहा, अंडा वो बोलता है लोग। नहीं देगा तो हम है ना, जानी देती है, ठीक है। अभी मास्टर से तो सबके बाद उसके बाद आते हैं, खत्म कीजिए, 22 मिनट हो गया। उत्कर्मित मध्य विद्यालय महुआर में कहीं न कहीं लापरवाही है, या सामने निकल करके बात सामने आ गई। जरूरत है शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारियों को जांच करके जो दोषी है उसको कार्रवाई करने की, ताकि बच्चों का जो भविष्य है, नौजवानों का जो भविष्य है, वो खतरे में ना जाए, अंधेरे में ना जाए। इसके लिए जरूरत है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेने की, गंभीरता से लेने की, और इन बच्चों के समस्याओं का समाधान करने की। और आपको जरूरत है बीएनबी में बने रहने की, और बने रहे बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।